हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बनाएंगे ये डिजाइन। इस डिजाइन से आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। जैसे ये मैंने एक पीस बनाया है, इसी तरह के बहुत सारे पीसेस बना लेने हैं और आगे आगे ज्वाइन करते जाना है। इस तरह से हमारा पूरा डिजाइन बनता जाएगा। डिजाइन अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए दो कलर का कपड़ा चाहिए। ये कपड़ा मैंने यहाँ पर कॉटन का लिया है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। दो पीस है कपड़े के, मेजरमेंट में है ये 10 इंच है और यहाँ से भी 10 इंच है। 10 बाई 10 इंच के दो पीस हैं, दोनों सेम साइज के हैं। अब इन पीसेस को इस तरह से लगाना है, सीधी साइड ऐसे रखेंगे और इसका भी सीधी साइड ऐसे रखेंगे। दोनों को बराबर करके रख लेंगे। यहाँ से चारों ओर से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, यहाँ से सीधी लाइन लगानी है। इस तरह से बराबर लाइन लगनी चाहिए ये। इसके बाद ये दूसरी साइड है, यहाँ भी लाइन लगानी है। मार्किंग हो गई है, इसी तरह कटिंग कर लेनी है। ये बन गए चार पीस। अब यहाँ पर एक पीस लेना है, यहाँ पर ऐसे प्रेस करनी है। इस कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे, यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है सिलाई को बिठाते हुए। बाकी पीस भी इसी तरह प्रेस कर लेंगे। इसके बाद ये कॉर्नर्स हैं, इनको कट कर लेना है। ये चार पीस बन के रेडी हो गए हैं। अब इनको हमें सेट करना है। ये पीस ऐसे रखेंगे और ये दूसरा पीस इसके सामने ऐसे रखेंगे। दोनों पीस इस तरह से रखे हैं डार्क कलर। अब लाइट कलर ऐसे रखेंगे। चारों पीसेस ऐसे रखे हैं, अब इनको सिलना है। ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इस पीस के साथ सिल देंगे। दोनों पीस सिल दिए हैं, यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। इस तरह से प्रेस करेंगे और इस कपड़े को खोल के ऐसे प्रेस कर देनी है। दूसरा पीस भी इसी तरह प्रेस करेंगे। दोनों पीस रेडी हो गए हैं, अब इनको इस तरह सिलना है। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाते टाइम ये सिलाई हमें कपड़ा जो है डबल यहाँ इस साइड को कर लेना है और ये इस साइड को कर लेना है। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई सेंटर की लग गई है। अब यहाँ पर इस तरह से प्रेस कर लेनी है और इस कपड़े को ऐसे टर्न करना है और यहाँ पर सिलाई को बिठाते हुए अच्छे से यहाँ पे प्रेस करनी है। अब ये पीस बन के रेडी हुआ है। यहाँ से 12 इंच रखना है, 12 इंच रेडी रखना है हमें। अगर 12 इंच से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जैसे ज़्यादा है तो दोनों साइडों से बराबर हमें कट करना है। ये इस साइड से भी, यहाँ पर हल्का हल्का भी है तो पूरा हमें 12 इंच रखना है। यहाँ पर ये हमें मार्किंग कर लेनी है, यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा है। अब ये पीस बन के रेडी हो गया है 12 बाई 12 इंच का। इसके बाद हमें यहाँ सेंटर से 2 इंच लेना है। तो यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे, इस ओर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे, इस साइड से भी 2 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से भी 2 इंच का निशान लगाना है। अब ये कॉर्नर है, यहाँ से भी 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे। ऐसे सीधी लाइन लगनी है तो यहाँ से हमारा एकदम सीधा आएगा। यहाँ पर भी चारों कॉर्नर में 2-2 इंच का ये निशान दे देना है। यहाँ भी 2 इंच का है, यहाँ भी और सेंटर में भी। तो एकदम सीधा हमारा ये मार्किंग होनी चाहिए। इस तरह निशान लगा के यहाँ से सीधा लाइन लगा देनी है। ये भी इसी तरह लगानी है और ये इस साइड के हैं निशान, ये भी हमें इसी तरह लाइन लगा देनी है। और ये इस साइड का है, ये भी ऐसे लगा देंगे। जिस तरह मार्किंग की है उसी तरह कटिंग कर लेनी है। सारे पीसेस कट कर दिए हैं, 9 पीस बने हैं। अब इन पीसेस को हमें अरेंज करना है। सारे पीसेस चेंज होंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो जैसे हमारी ये फर्स्ट रो है, इसको हम चेंज करेंगे तो ये पीस है, इसे इस तरह से ऐसे व्हाइट वाला इस साइड में आ जाएगा और ये दूसरा पीस है, इसे इस तरह से इस डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे रखना है। तीसरा पीस ऐसे ही रहेगा। इसके बाद ये सेकेंड रो है, ये चेंज करनी है। तो ये फर्स्ट पीस है, इसे इस तरह से ऐसे रखना है और ये पीस है, इसे यहाँ से ऐसे टर्न कर देना है और ये पीस है, इसे इस डायरेक्शन में ऐसे लगा देंगे। इसके बाद ये तीसरी लाइन है,
तो ये पीस और ये पीस दोनों इस तरह रहेंगे, और ये दूसरा पीस है इसे इस तरह से ऐसे टर्न करना है, और ये पीस है इसे इस तरह से ऐसे लगाएंगे। अब देखिए पूरा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। अब इसी तरह इनको सिल देना है, जैसे ये लाइन है फर्स्ट इसको सिलेंगे, ये इसके साथ सिलेंगे, और ये पीस इसके साथ सिलेंगे, दूसरा भी इसी तरह सिलेंगे, तीसरा भी इसी तरह सिलेंगे, जैसे पीसेस रखे उसी तरह सिलने हैं, एक भी पीस हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। सारे पीसेस सिल दिए हैं, अब इनको इस तरह से सिलना है, ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इस पीस के साथ सिलेंगे। सारे पीसेस सिल दिए हैं, अब यहाँ पर कर लेनी है प्रेस, यहाँ पर पहले इस तरह से हमें प्रेस करनी है, और इसके बाद इस कपड़े को ऐसे टर्न करके एक साइड को सिलाई देनी चाहिए, इस तरह से प्रेस करेंगे, ये दूसरी साइड है, यहाँ भी इसी तरह करनी है। अब देखिए ये पीस हमारा इस तरह से बना है, अगर इसके बाद अगर साइडों में थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हमें कट कर लेना है, क्योंकि दोबारा पीस जोड़ना है तो इजी रहेगा। ये पीस बन के रेडी हुआ है, यहाँ से 10.5 इंच है और यहाँ से भी 10.5 इंच है, 10.5 बाई 10.5 इंच का ये पीस रेडी हुआ। तो अगर आपको इस डिजाइन से बेडशीट बनानी है या क्विल्ट बनानी है तो इस तरह के बहुत सारे पीसेस बनाने हैं एक ही इसी साइज के, और आगे आगे ज्वाइन करते जाना है, तो बहुत ही सुंदर एक हमारी बेडशीट का डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा। डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे होंगे, इस तरह पूरा डिजाइन बन के रेडी होगा, बहुत ही प्यारा लुक आता है बनने के बाद। इस डिजाइन से आप कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे टेबल का कवर बना सकते हैं, या कोई और चीज के लिए भी आप कोई कवर बना सकते हैं। अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।